Okay, friends, we are going to um, start studying the geometry of covalent molecules and ions. And the geometry that we are going to study today is linear geometry. Linear geometry. Now, we already know. That, as per the Vesper theory, you know what is Vesper theory? Valence shell electron pair repulsion theory, which was given by two scientists who were named Gillespie and Nyhome. So, around the 1940 mark, uh, they proposed the Vesper theory, in which they said that if the central atom has two electron pairs in the valence shell, all such molecules or ions will acquire linear geometry once again according to whisper theory if there are two electron pairs in the valence shell of the central atom all such covalent molecules or ions will acquire linear geometry now let us look at a, a, a couple of examples and i will try and give to you two different kinds of examples the first example that i want to uh, draw before you is a very simple molecule called beryllium dichloride molecule BECl2 molecule. Okay, now in the BECl2 molecule, you can see that beryllium atom is associated to two chlorine atoms. Now, if you look at the electronic configuration of beryllium, beryllium is atomic number four, the configuration is one is two. टू एस टू एंड टू पी जीरो वन एस टू टू एस टू टू पी जीरो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ बेरेलीम एंड इफ यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इन दिस मैनर अब देखें यहां पर ये टू एस टू कंडीशन हो गई और ये टू पी कंडीशन हो गई और आप अगर गौर करेंगे तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए बेरिलियम की कोविलेंसी बराबर जीरो होना चाहिए बिकॉज वाई कोविलेंसी जीरो बिकॉज बेरिलियम डज नॉट हैव इवन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द वेंशियल कोविलेंसी बराबर जीरो अब अगर कोवेलेंसी जीरो है इसका मतलब बेरिलियम को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ किसी तरह का बॉन्ड वो नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जबकि बेरिलियम डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल बनता भी है और बहुत स्टेबल है इसका मतलब बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता है एक क्लोरीन एटम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो दो क्लोरीन एटम्स के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसीलिए बेरिलियम के पास भी उसके शेल में कम से कम दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल नहीं है कोवेलेंसी जीरो है इसीलिए बेरिलियम विल मूव टू दी एक्साइटेड स्टेट ये जो बेरिलियम के ऊपर जो स्टार लगा हुआ है ये एक्साइटेड स्टेट को डिनोट करता है एक्साइटेशन का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाना अब आप देखें यहां पर बेरिलियम के पास 2s में दो इलेक्ट्रॉन बेड कंडीशन में है तो इन दो इलेक्ट्रॉनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन टू एस से प्रोमोट होकर के और टू पी के खाली ऑर्बिटल में जाकर के सिचुएट हो जाएगा सो टू एस इलेक्ट्रॉन आर इन पेड स्टेट दे आर इन लोअर एनर्जी एंड देयर फोर वन ऑफ द टू एस इलेक्ट्रॉन विल गेट प्रोमोटेड टू द वन ऑफ द वेकेंट टू पी ऑर्बिटल इस तरह से और अब देखिए यहां पर बेरिलियम के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंशियल में इसीलिए इसकी कोवेलेंसी बराबर दो हो गई अब सिंपल सी बात है आप बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेरिलियम डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल के बनने में बेरिलियम दो क्लोरीन एटमों के साथ कंबाइन करता है एक क्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आप देखिए यहां पर ये रेड से मैं शो कर रहा हूं क्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये बना बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है विथ द क्लोरीन एटम फिर दूसरा क्लोरीन एटम यहां पर आ गया ये दूसरा बॉन्ड बन गया क्लोरीन एटम के साथ सो so, ये जो दो बॉन्ड्स बने हैं ये जो दो बॉन्ड्स बने हैं दे आर टू बेरिलियम क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड्स एट 180 डिग्रीज ये दो बेरिलियम क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो कि एक दूसरे से एक 180 डिग्री पर सिचुएटेड हैं और आप देखिए यहां पर इसकी ज्योमेट्री में आपके लिए बना दू तो ये है हमारा बेरिलियम एटम ये है हमारा पहला क्लोरीन एटम ये है दूसरा क्लोरीन एटम और आप वॉच करिएगा इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में 180 डिग्री का अंतर है और ऐसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री ध्यान रखिएगा लीनियर शेप एक अलग चीज होती है मैंने आपके सामने अभी लीनियर ज्योमेट्री को डिस्कस किया है नाउ लेट अस मूव अहेड और मैं आपके साथ एक और मॉलिक्यूल डिस्कस करना चाहता हूं एंड द एग्जाम्पल ओवर हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू मॉलिक्यूल और आप वॉच करिएगा कि यहां पर कार्बन एटम के साथ दो ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हैं कार्बन so के साथ दो ऑक्सीजन एटम जुड़े हैं चलिए लेटेस्ट बिगिन नाउ वी हैव कार्बन एटम अटोमिक नंबर सिक्स और आप गौर करेंगे इसका कंफिगुरेशन आप जानते हैं वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू ये कार्बन का वैलेंशियल uh, कंफिगुरेशन है टू एस टू एंड टू पी टू अब इसका देखिए इस तरह से आप बॉक्स डायग्राम बना दीजिए ये बन गया टू एस टू कंडीशन और उसके बाद ये आपने बना दिया टू पी टू कंडीशन ठीक टू एस टू टू पी टू अब आप देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में है उसके वैलेंस शेल में केवल दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी वजह से कार्बन की कोवेलेंसी होनी चाहिए दो इसका मतलब कार्बन को जितने भी कंपाउंड्स बनाने चाहिए वे सारे कंपाउंड डायवेलेंट स्टेट में होने चाहिए क्योंकि कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में केवल दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन फैक्ट यह है कि कार्बन के पास डायवेलेंट कंपाउंड्स है ही नहीं कार्बन के सारे स्टेबल कंपाउंड टेट्रावेलेंट स्टेट के हैं और ये जो कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी कार्बन चार बॉन्ड्स बनाता है किस तरह से जरा सा वॉच कीजिएगा देखिए मैं यहीं पर आपके लिए बना रहा हूं अब हमारे पास ऑक्सीजन एटम atom है एटॉमिक नंबर देखिए है इसका ऑक्सीजन का कंफिगुरेशन है अब अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन के दो अन, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए टू एस टू के और उसके बाद एक दो तीन चार टू एस टू टू पी फोर कंफिगरेशन ये हो गया ऑक्सीजन का ना प्लीज वॉच दैट ऑक्सीजन एटम हैज टू अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ओके ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरे को कहते हैं हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन सो प्रत्येक ऑक्सीजन के पास एक सिग्मा अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक पाई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ठीक सो so, एक ऑक्सीजन के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन है इसका मतलब उसके पास कुल मिलाकर के चार अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में केवल दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब यदि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को बनना है तो कार्बन के पास भी ग्राउंड स्टेट में कम से कम चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्योंकि दो ऑक्सीजन के पास कुल मिलाकर के चार अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वॉट so हैपन्स हमारा कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नहीं बना पाता है इसीलिए कार्बन मूव करेगा एक्साइटेड स्टेट में और कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब यह हुआ कि कार्बन के पास जो 2s इलेक्ट्रॉन है जो कि पेड कंडीशन है इनमें से एक इलेक्ट्रॉन 2s एस को छोड़ करके और 2p का जो वेकेंट ऑर्बिटल है इसमें प्रमोट हो जाएगा सो so, ये जो टूएस पेड इलेक्ट्रॉन थे इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके प्रमोट होकर के यहां खाली जो वेकेंट ऑर्बिटल है इसमें आकर के सिचुएट हो जाएगा और अब देखिए कार्बन के पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी वजह से कार्बन की कोवेलेंसी हो गई फोर ठीक अब देखिएगा आप ऑक्सीजन के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे एक सिग्मा एक पाई तो ये पहला ऑक्सीजन एटम है इसी तरह से जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसके पास भी एक सिग्मा और एक पाई होगा अब आप इमेजिन करिए ये देखिए ये पहला ऑक्सीजन एटम आएगा ये पहला ऑक्सीजन एटम आया अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन लाया और इस ऑक्सीजन एटम के पास एक दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है और वो पाई है तो ये बॉन्ड कैसा होगा पाई बॉन्ड होगा ध्यान रखिएगा सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड सि सि पाई इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म ए पाई बॉन्ड यह पहला ऑक्सीजन एटम हो गया जिसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग करके कार्बन के दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया और पाई बॉन्ड बनाया इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन एटम आएगा उसका यह अनपेड इलेक्ट्रॉन पहला सिग्मा अनपेड इलेक्ट्रॉन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया और दूसरे ऑक्सीजन दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि पाई इलेक्ट्रॉन है उसने पाई बॉन्ड बना लिया सो so, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है पहला ऑक्सीजन एटम ने सिग्मा बॉन्ड बनाया पाई बॉन्ड बनाया फिर दूसरे ऑक्सीजन एटम ने सिग्मा बॉन्ड बनाया और पाई बॉन्ड बनाया नाउ इज द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर कुल मिलाकर के अब आप देखिए वन टू थ्री फोर कार्बन सेंट्रल एटम के वैलेंस शेयर में चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इन चार इलेक्ट्रॉन पेयर में से गौर कीजिएगा ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं सो देर आर टू सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दीज आर टू पाई बॉन्ड बॉन्डपेयर्स सो देर आर टू सिग्मा बॉन्ड पेयर्स देर आर टू पाई बॉन्ड बॉन्डपेयर्स और मैंने अभी आपको बताया था कि एज पर द दस्पर थ्योरी इफ देर आर फोर इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम ज्योमेट्री अक्वायर्ड विल बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेकिन लेकिन वेस्पर थियोरी में एक और इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि पाई बॉन्डपेयर्स ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में कोई योगदान नहीं करते हैं पाई बॉन्डपेयर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री तो आप इन दो पाई बॉन्डपेयर्स को आप निगेट कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए तो कितने बॉन्डपेयर्स बचे केवल दो एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थियोरी प्रोपोज बाय गिलिस्पी इन माई होम ओनली सिग्मा बॉन्ड बॉन्डपेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री पाई बॉन्ड बॉन्डपेयर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन तो एज ए रिजल्ट अगर हम दोनों पाई को हटा दें तो केवल दो ही बॉन्ड बॉन्डपेयर्स बचे दो की दो सिग्मा बॉन्ड बॉन्डपेयर्स बचे इसीलिए इन दोनों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के पास ध्यान रखिएगा देर इज लीनियर ज्योमेट्री ओके पाई बॉन्ड पे डू नॉट प्ले एनी रोल इन ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन देर इज लीनियर ज्योमेट्री सो ये कार्बन एटम है इसने पहले ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया फिर उसके बाद पहले ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाया और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी पाई बॉन्ड बनाया अब आप देखिएगा ये दो दोनों बॉन्ड जो है दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स और ये जो दोनों हैं दीज आर पाई बॉन्ड्स और क्योंकि क्योंकि पाई बॉन्ड्स जोमेट्रिक डिटर्मिनेशन में कोई योगदान प्ले नहीं करते हैं इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्वायर्स व्हाट इज नोन एज द लीनियर ज्योमेट्री तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, देखिए आप बेरिलियम डाइक्लोराइड में दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लीनियर ज्योमेट्री यहां चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन इन चार में से दो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिनका की ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं है इनको माइनस कर दिया जाएगा केवल दो ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स बचते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्वायर्स लीनियर ज्योमेट्री आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू थैंक यू वेरी मच